हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्रोवाइडर। अभी हम आपको 2 BHK का फ्लैट दिखाने के लिए आए जो कि 35 फीट में पड़ता है, 70 फीट बाईपास से मात्र 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। और पटना डोबी जो नया फोर लेन बन रहा है, यहां से 200 मीटर की मात्र डिस्टेंस पे बन रही है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्लैट की पूरी जानकारी मिल सके। ये देखिए, ये मेन आपका कॉरिडोर का एरिया हो गया। G+4 की बिल्डिंग है। ये आपका लिफ्ट का एरिया है, रेडी टू मूव फ्लैट है। ये आज के डेट में आप लेके इस पर शिफ्ट कर सकते हैं। और ये आपका सीढ़ी का एरिया है। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है और ये बेस्ट फेसिंग फ्लैट है जो कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर फ्लैट हो गया। यहां से आपकी फ्लैट में एंट्री होती है। ये कॉमन स्पेस हो गया और ये ये देखिए सामने में आपका ड्राइंग हॉल का एरिया हो गया। ड्राइंग हॉल के स्पेस की बात करेंगे तो 17x10 का आपका ड्राइंग हॉल है। ये देखिए सामने होल सेलिंग वगैरह सारा किया हुआ फ्लैट है। ये देखिए 950 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये 2 BHK का फ्लैट है जो कि बिल्कुल ही स्पेसियस फ्लैट है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अभी टोटल चीजें अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें पार्किंग से लेकर सारा चीज है। तो ये देखिए, ये आपका ड्राइंग हॉल का एरिया है, विंडो वगैरह सारा लगा हुआ है। और यहां से आपका डाइनिंग स्पेस शुरू होती है। L-शेप में आपका डाइनिंग और ड्राइंग है। देखिए बेसिन वगैरह सारा लगा हुआ है। यहां भी आपका फॉल सेलिंग सारा किया हुआ है। ये आपका किचन का एरिया हो गया। किचन के स्पेस की बात करेंगे तो 8x7 का अप्रोक्सीमेट किचन है आपका। देखिए ऊपर में सामान रखने के लिए बनाया हुआ छज्जा। ये आपका स्लैब है और नीचे में बॉक्स बना हुआ है। ये आपका कॉमन टॉयलेट का एरिया हो गया। साढ़े 7 फीट लंबा आपका बाथरूम का एरिया है। और ये आपका पहला बेडरूम हो गया। इसमें भी आपका फॉल सेलिंग वगैरह किया हुआ है। ये देखिए बिल्कुल यह स्पेसियस और लाइटेड फ्लैट है। अनविरा के लिए जगह ऑलरेडी दिया हुआ है। पूरब साइड में आपका यह विंडो हो गया और ये इसके साथ अटैच एक बालकोनी का एरिया है। हंड्रेड % रेसिडेंशियल एरिया। ये देखिए जस्ट बगल में आपका 70 फीट जो मेन रोड है ये आपको दिख रहा है और ये 35 फीट रोड पे है आपका। और यहां से पटना बक्सर फोर लेन भी जस्ट बगल में आपका है और पटना डोबी फोर लेन, दोनों फोर लेन निकल रही है। और पटना बख्तियारपुर बाईपास से मात्र 500 मीटर का डिस्टेंस पर 35 फीट रोड में पड़ती है। पटना जंक्शन की बात करेंगे तो यहां से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। और ये देखिए, ये आपका दूसरा बेडरूम हो गया। कार्निस का वर्क यहां किया हुआ है।
विंडो वगैरह सारा लगा हुआ है, ग्रिल वगैरह लगा हुआ है, विंडो एसी के लिए जगह छोड़ा हुआ है ऑलरेडी। और इसके साथ अटैच आपका एक बाथरूम का एरिया हो गया, ये देखिए। स्क्रीन पे नंबर शो होगा, इस नंबर पे कॉल कीजिए, एक बार साइट विजिट कीजिए और भी हम आपको पार्किंग एरिया से साथ साथ कनेक्टिविटी टोटल चीजें दिखाने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे हैं, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब। ये देखिए, ये 35 फीट रोड हो गया, और सामने में जो वो पेड़ दिख रहा है सामने, हाँ ये वहां वो 70 फीट रोड है, वहां से कनेक्टेड 35 फीट ये रास्ता आया हुआ है। मुश्किल से 70 फीट से 100 मीटर का डिस्टेंस आप आते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर ये बगल में है, उसी के जस्ट बगल में ये पड़ता है। ये देखिए, ये बिल्डिंग का फ्रंट व्यू हो गया। G+4 की बिल्डिंग है जिसमें टोटल 16 फ्लैट है। ये देखिए, आपका मेन एंट्रेंस गेट हो गया और ये गार्ड रूम हो गया। जनरेटर आपका ऑलरेडी लगा हुआ है और ये पार्किंग का स्पेस है। तो पूरा का पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं पार्किंग का है, टोटल पार्किंग अलॉट किया हुआ है ऑलरेडी। ये देखिए लिफ्ट का एरिया है, ये आपका सीढ़ी का एरिया हो गया, और ये पार्किंग का एरिया है। G+4 की बिल्डिंग है जिसमें टोटल 16 फ्लैट है, देख रहे हैं। तो जिनको भी इस लोकेशन में फ्लैट परचेज करना है, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे एक बार कॉल कीजिए, साइट विजिट कीजिए। और हाँ, जहां तक रेट की बात है तो 55 लाख रुपया में ये फ्लैट आपका होने जा रहा है। थैंक यू।